क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का। इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। जोड़ा बस एक बना आसमान पर, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना, और जब खुदा जोड़ा बनाता है तो फिर दूल्हा मासूम होता है, दुल्हन मासूमा होती है। खुदा को इस घर से कितनी मोहब्बत है कि इनके बच्चों के नाम भी खुदा रख रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, कितनी मोहब्बत है, इनके बच्चों के नाम भी खुदा रख रहा है। हाजीदानी ग्रामी कद शहजादी की आमद के बाद अल्लाह के रसूल मुंतज़िर हैं, जिब्राइल नाज़िल हुए, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया, और फिर नाम पहुंचाया कि इस बच्ची का नाम खुदा ने ज़ैनब रख दिया। अब कभी अगर कोई वजीफ़ा आपको मालूम करना हो, विर्द के उन्वान से कोई तरीक़े तवस्सुल मालूम करना हो, तो सिर्फ जनाब ज़ैनब का नाम काफ़ी है। जिसने ज़ैनब नाम जुबान से लिया उसने वही खुदा की तिलावत कर ली। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। यार पहला अमल शहजादी के नाम से कि अगर कोई चाहता है कि उसकी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, परेशानियां बहुत हैं, ये बात मैं फिर रिपीट कर दूं कि जिसको यकीन ना हो वो अमल ना करे। आले मोहम्मद को आजमाया नहीं जाता, इसे आजमाने का शौक बाहर चला जाए बहुत से शोबदाबाज दिख जाएंगे। आले मोहम्मद को आजमाया नहीं जाता, जिसके यकीन ना हो अमल ना करे, यकीन है तो अमल करे। सलामत रहिए, सलामत रहिए। कभी अगर आपके जहन में आए कि शहजादी से तवस्सुल कैसे किया जाता है, तो शहजादी से तवस्सुल का पहला तरीका कि दुरूद की एक मुकम्मल तस्बीह यानी 100 मरतबा दुरूद तिलावत करके शहजादी की बारगाह में हदिया पेश कीजिए, और उसके बाद अपनी हाजत तलब कीजिए। और ये अवाम का मसला नहीं है, बाकी तवस्सुल अवाम के लिए होते हैं, ये खवास का तवस्सुल है, ये उलमा का साहिबान इरफान का तवस्सुल है, ये खुदा के ख़ास मुंतखब अफराद का तवस्सुल है। यानी ये हर कसो नाकस की बात नहीं हो रही, खुदा के ख़ास बंदे जब किसी मुश्किल में परेशान हो जाते हैं, कोई मुश्किल सामने आती है, तो एक दुरूद की तस्बीह तिलावत करके जनाब ज़ैनब की खिदमत में हदिया पेश करते हैं। अब रहा एक मसला कि जनाब ज़ैनब कुबरा की बारगाह मुकद्दस में हदिया पेश करना, जी इसलिए कि इस्मत सुग़रा की मंजिल पर फ़ाइज़ है। शायद इस्मत कुबरा तो अपने मकाम पर मखसूस की रखी गई, लेकिन इस्मत सुग़रा में कोई शक नहीं, इसे ज़माने का इमाम आलिम गैर मुअल्लिमा कहे, इसे ज़माने का इमाम फ़हमा गैर मुफ़हमा कहे, इससे ज़माने का इमाम अपने लिए नमाज शब में याद करने की इल्तमास करे कि उसकी इस्मत पर भी दलील चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, और अजीज़ाने गिरामी कद्र बातें बड़ी आसान सी हैं। एक और तरीक़ा जलाली है, थोड़ा मुख्तलिफ है इससे, और ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन बयान कर रहा हूँ बतौर तज़क्कुर कि 100 मरतबा दुरूद के बजाय 99 मरतबा पढ़ा जाए और 1 मरतबा दुरूद को रोक लिया जाए। ये जलाली अमल है कि जब आपका काम हो जाए तो वो आखिरी एक मरतबा दुरूद जो है वो काम के बाद पढ़ेंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मोहम्मद। तीसरा अमल तवस्सुल का तीसरा अमल तरीका वो ये है कि शहजादी के इसमें गिरामी के जो आदात बनते हैं वो हैं 69। तो 69 डेज तक हर दिन 69 टाइम्स दुरूद की तिलावत, और 69 डेज तक हर दिन 69 सिक्के या करेंसी नोट
बीबी के नाम पर इन्फाक किया जाना, चाहे वो सिक्का एक रुपये वाला हो कि दो रुपये वाला हो, मगर काउंटिंग होगी 69 या करेंसी नोट हो या सिक्के हो। रोज़ दीजिए अपने मकाम पर या सबको जमा रखिए जब पूरा अमल मुकम्मल हो जाए, ये 69 डेज पूरे हो जाए, तब उस तमाम के तमाम मौला के चाहने वाले गरीबों बांट दीजिए। सबसे ज़्यादा मुजर्रब अमल जनाब ज़ैनब कुबरा के इस्म गिरामी के आदात के बराबर दुरूद की तिलावत करते हुए, इन्फाक करते हुए शहज़ादी की बारगाह में अपनी हाजत पेश कीजिए, और यकीन रखिए कि जनाब ज़ैनब उलिया का मकाम इतना बुलंद है कि इमामत जिसके एहसान को बयान कर रही हो,